हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बात करने वाले हैं BGMI के बारे में, और BGMI जो है फाइनली प्ले स्टोर के अंदर वापस आ चुका है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको तो शायद ये बात दो तीन दिन पहले ही पता चल गई थी कि BGMI भाई कब आने वाला है, 26 से 29। तो भाई 29 को जो है सर्वर ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि iOS वालों को भी जो है 29 तारीख को ही डाउनलोड के लिए मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर और iOS के अंदर थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो iOS में और एंड्रॉयड में ऐप जो है थोड़ा अलग तरह से होती है, तो इसलिए iOS वालों को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 29 को उनको डाउनलोड मिल जाएगा और सर्वर भी जो है 29 तारीख को ओपन हो जाएंगे। लेकिन BGMI तो प्ले स्टोर के अंदर वापस आ चुका है। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लोगों को कि ये वाला जो अपडेट आया ना, वो अपडेट आया 2.5 वाला, और अभी PUBG मोबाइल में जो अपडेट चल रहा है वो चल रहा है भाई 2.6 वाला। तो भाई सबके मन में ये सवाल होगा कि क्या भाई हमें BGMI के अंदर 2.6 वाला अपडेट देखने को मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, या फिर हमें पुराने वाले अपडेट पर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर PUBG मोबाइल के अंदर कोई नया अपडेट है और हमको पुराने वाला अपडेट मिल रहा है, तो थोड़ा सा एक खटास से आ जाती है कि अरे यार वहाँ तो नया अपडेट चल रहा है और हम पुराना ही अपडेट खेलने को हमें मिल रहा है। तो भाई इसका क्या होगा, क्या हमें BGMI आगे फ्यूचर में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि अगर आप पुराना अपडेट खेलते रहोगे और लोग जो हैं वर्ल्ड में वो नए अपडेट खेलेंगे, तो थोड़ा मन में हो जाता है कि अरे यार वो नया अपडेट खेल रहे हैं, हम लोग पुराना अपडेट खेल रहे हैं, तो क्या भाई हमें नया अपडेट 2.6 देखने को मिलेगा? तो फिलहाल के लिए अभी जो गेम अब तुम्हें डाउनलोड होने को मिला है वो APK जो है ना, वो पहले वाला APK है, मतलब 2.5 के बाद वाला जो है वर्जन। क्योंकि अभी 2.6 वाला वर्जन अभी आया है, कुछ ही दिन हुए उनको आए हुए, और 2.5 का वर्जन है वो काफ़ी पुराना भी हो चुका है। तो वो वाला अपडेट उसको मॉडिफाइड करके प्ले स्टोर पर डालना थोड़ा ईजी है। अब बात करते हैं 2.6 अपडेट की। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुमको पता ही होगा कि इन्फॉर्मेशन मेरी भाई सही होती है ज़्यादातर। तो अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तुमको पता ही है कि 2.6 का अपडेट की जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि तो उसमें अभी काम बाकी है, अभी उसमें काम होना है और वो अपडेट जो है हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात उस चीज़ की है कि क्या हमें वो अपडेट थोड़े दिन में देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी पुरानी ये इन्फॉर्मेशन थी कि 2.6 वाला अपडेट मिलेगा लेकिन कुछ दिन बाद मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब गेम जो है 29 तारीख को सर्वर ओपन हो जाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि वो अपडेट पुश होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो अपडेट आना ज़रूर है। या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो 3 मंथ के लिए बोला है गेम को, गेम जो है वो 3 मंथ तक हम चेक करेंगे, अगर आप मानते हो वो बात, तो फिर मान के चलो कि 3 महीने तक तो फिर कोई नए अपडेट नहीं आने वाले। क्योंकि जब PUBG मोबाइल के अंदर अपडेट आते हैं तो उस अपडेट को इसके अंदर मॉडिफाइड करने के लिए टाइम लगता है, और अगर वो अपडेट इसके अंदर आते हैं और उसमें फिर PUBG मोबाइल लिखा हुआ जाता है या फिर कोई और चीज़ आ जाती है लिखी भी, तो वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मेरे को अंदाज़ा है कि ये अगर चीज़ अभी नहीं आई तो ये सिर्फ 3 महीने तक ही ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद जो है ये मैच कर देंगे PUBG मोबाइल के साथ ही BGMI को। और रॉयल पास की बात करें तो चेंजेस उसमें थोड़े बहुत हो सकते हैं, इतने भी नहीं हो सकते जैसे टाइमिंग टूमिंग में हो सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था कि शायद टाइमिंग वगैरह में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो वो देखना होगा, जब गेम आएगा तभी इसके बारे में पता चलेगा। फिलहाल अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं दिखा रहा है तो आप भाई सीधा जाके जो है वो कर सकते हो वेबसाइट से, और वहाँ से फिर गूगल प्ले का पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड जो है आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर मैं फ्यूचर में BGMI से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो क्या भाई आप लोग सपोर्ट करोगे, इसके बारे में भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और टेंशन ना लो, 2.6 का अपडेट आ जाएगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है उसको भी। तो बाय, टेक केयर।